इस गोले का रूला याद है ना तुम्हार को? फिल्मी सिंस को सब्सक्राइब करना है और और उसके साथ वाले घंटे को भी दबाना है। ये कहाँ है? सेल्फ डिफेंस। अच्छा, हाँ सेफ्टी। चल, चलें। अरे उधर घंटवा नहीं है, इधर घंटवा है। चल फिल्म एसेंस को सब्सक्राइब करें और इस बेल को दबाएं ताकि आप हमारे चैनल की वीडियो सबसे पहले देख सकें। जब पीके अपनी स्पेसशिप पर आ रहा होता है तो साफ नजर आ रहा है कि नीचे कोई भी रेलवे लाइन नहीं जा रही, पर जैसे स्पेसशिप से बाहर आता है तो सामने से ट्रेन जा रही होती है। यार वैसे यहाँ पीके नंगा चलता हुआ आ रहा है, पर जरा जूम करके देखेंगे ये रियल में नंगा था या नहीं। जूम प्लीज थोड़ा और। ओ बस बस, ओ इसने तो रियल में कुछ नहीं पहना। वाह भाई, और तुम्हें बड़ा शौक है जूम मार मार के और देखने का, गंदे बच्चों। इस बब्बे में वैसे बड़े गट्स हैं, जो एक नंगा बंदा भागते हुए इसकी तरफ आ रहा है और ये देख ही जा रहा है। इमेजिन करो आप एक रेगिस्तान में हो, अच्छा चलो रेगिस्तान छोड़ो भाई, रोड पर ही हो और ऐसे भागता हुआ कोई आपकी तरफ आए तो क्या करोगे भाई? जो सीधी बात, अगर मेरे साथ ऐसा हो तो मैंने तो भाग भाग डिके बॉस बन जाना है। इस सीन में रेडियो इस बब्बे की शोल्डर के साथ बंधा हुआ है और इसने इस हाथ से इस ट्रेन के डब्बे को पकड़ा हुआ है, पर जब कैमरा सामने आता है तो रेडियो तो पीके के हाथ में है, जबकि इस बाबे ने अपने इस हाथ से डब्बा अभी तक छोड़ा ही नहीं। जादू। अबे यार जादू से याद आया, आपको पता है कि हमारा जादू भी पीके फिल्म में आया है? इसका भी बहुत बड़ा रोल था मूवी में। हैं भाई? हाँ, आपको इसलिए नजर नहीं आया क्योंकि पीके ने रेडियो जो नहीं हटाया। जोकिंग रे। इस सीन में जग्गू एक्टिंग कर रही है कि इसने वायर लॉक उतारा और अब साइकिल पे लगा रही है, पर अगर हम गौर करें तो इसके हाथ में तो कोई वायर लॉक है ही नहीं। वाह भाई, फिल्मी सीन्स के साथ फिल्म में बेल्जियम जैसे जगह में ये टकला खुलेआम ब्लैक टिकट सेल कर रहा है। टिकटे भाई, ये सिर्फ एक ही टिकट है, 96 यूरो हो गए अब इनके पास, और अब जग्गू मक्खन लगा रही है। माता की जय ब्रो। 100 यूरो। वैसे ब्रो ना कहती तो शायद टिकट दे ही देता। यहाँ जग्गू सरफराज की आवाज सुनकर उस पर फ्लैट हो रही है, पर ये जो साथ म्यूजिक आ रहा है वो क्या सरफराज ने अपने मोबाइल पर लगाया है। अब जग्गू और सरफराज के पीछे सिक्योरिटी लग गई है और वो भाग रहे हैं और सरफराज जग्गू की साइकिल पकड़ कर निकल जाता है। अब पहली बात तो ये कि सरफराज को कैसे पता चला कि जग्गू की साइकिल कहाँ है या है भी या नहीं, और दूसरी बात तो ये कि जग्गू ने तो साइकिल पर लॉक लगाया था। आई नो एक्टिंग वाला, पर था तो सही ना, तो क्या इतनी जल्दी उन्होंने लॉक खोल भी लिया क्योंकि उनके पीछे गार्ड पड़ा हुआ था। यार ये वैसे सही होता है, एक ही 2 मिनट के गाने में प्यार हो गया और इधर 2 साल निकल गए फिर भी लड़की कहती है आई लव यू बट एज अ फ्रेंड। यार वैसे कितना अजीब लगता है ना कि विराट की वाइफ धोनी के साथ रोमांस कर रही है। अगेन जोकिंग रे। हम सब ने ये सीन देखा जब जग्गू ने तपस्वी जी की कॉल कट की, पर किसी ने ये नोट नहीं किया कि जग्गू ने तपस्वी जी को उंगली भी की। वाह। इस सीन में जग्गू टैक्सी में बैठी है और ड्राइवर कहता है कि कहाँ जाना है, तो वो कहती है और भाई ये टैक्सी है प्लेन नहीं है जो सीधा दिल्ली जाना है। जब पीके यहाँ से जा रहा होता तो इस दीवार पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और जब दोबारा आता है तो उसी दीवार पर ये लिखा होता है। जब इस बंदे ने पीके को देखा तो ये पैसे अंदर डाल रहा था, निकाल नहीं रहा था, तो फिर ये कैसे चोर चोर का शोर मचा सकता है? चलो माना कि मुंह पर कोई ना मारे तो पीके ने ये कर लिया, तो भाई पेड़ पर भी तो मुक्के घूसे मार सकते है ना। इसी में पीके कहता है कि हमरे गोले पे तो कौनो कपड़ा पहनता ही नहीं है। अरे भैया कहीं मियाँ जी और जोनी भाई भी तो इसी के गोले के तो नहीं? अरे प्लीज हमका भी इसके गोले पर जाना, हमका भी कोई इसके गोले पर छोड़ा हो। पीके ने डांसिंग कार में से सिर्फ ये चीजें उठाई थी, तो फिर इसके पास ये जूते कहाँ से आ गए? एक्सप्लेन अस प्लीज। पीके के सारे पंपलेट्स एक ही दीवार पर लगाने का रीजन क्या हो सकता है? एक कहीं और एक कहीं और बंदा लगा देता है, पर यहाँ तो 10-20 एक ही साथ लगा दिए। इसी में सब लोग पीके के पीछे पड़े हुए हैं और भाइयों आगे से पकड़ कर इसे कवर कर लेता है, पर भाइयों के कपड़वा भी तो सेम है, फिर ये लोग भाइयों को इग्नोर क्यों करते हैं और सीधा निकल जाते हैं। इन्हें तो भाइयों को भी पकड़ना चाहिए था जो पीके को कवर कर रहा है। पीके का चप्पलवा हो गया है गायब और ये चिड़कुट कहता है कि किसी और के ले जा, तो ये वो चप्पल पहन कर चला जाता है जो पहनने में बड़ी मुश्किल है, जबकि इसके सामने इतनी ज्यादा चप्पलें सेल पर लगी हुई है। सब ऐसे इसे पीके पीके कहते क्यों थे? पागल भी तो कह सकते थे ना, या बेवड़ा कह देते, या ये कह देते कि पी हुई है क्या, पर पीके पीके कहते मैंने तो कभी किसी को नहीं सुना। यार वैसे जितनी भी डांसिंग कार्स है इसी ब्रांड की क्यों है? इसी में सिर्फ 3 औरतों को कहता है कि मर गए का?
और पहाड़ इतनी ज्यादा औरतें जाती हैं इसके पीछे। ठीक है, बच्चे का ठप्पा चेक कर रहा होता है कि ये किस धर्म से है। डॉक्टर सिक्योरिटी को बुला लेता है और सिक्योरिटी देखो कैसे दांत निकाल निकाल कर पकड़ रही है। टॉयलेट के बाहर इस पोस्टर पे लिखा हुआ है कि सुसु करने के 5 रुपए और बड़ा वाला करने के 10 रुपए। पर पीके और ये बंदा अंदर जाते भी है और बाहर भी आते हैं, पर इनसे कोई पैसा नहीं लेता। अब पीके इस बंदे के पीछे भागता भागता तपस्वी जी के सेट पर पहुंच जाता है और ये इसके साइड पर स्टेज है। और जब कैमरा दूर से दिखाता है तो वहाँ कोई पीके होता ही नहीं। बम बम बोले पर अब अंग्रेज कब से बम बम बोलने लगे। पीके का रेडियो हुआ तो वाटरप्रूफ निकला क्योंकि इतनी तेज बारिश के बाद भी झकास चलता है आगे भी। पीके जेल में जाने से पहले जग्गू को चेक करवाता है कि 1 रुपया भी नहीं है इसके पास। पर जैसे ये जेल से निकल कर आ रहे होते हैं तो ये अंकल को 600 रुपया दे देता है और वो अंकल जल्दी में होते हैं तो निकल जाते हैं। पर जब पीके 2 मिनट पर जाता है तो जग्गू पीछे देखती है तो वो अंकल भी पीछे ही होते हैं जबकि वो जल्दी में गए थे। पीके जग्गू को कहता है कि इसने जग्गू को इसलिए सब कुछ बता दिया क्योंकि सब ने इसे पैसे लिए हैं। पर जग्गू ने इसे पैसे दिए हैं जबकि अंधा बंदा जो इसे दिया करता था, वैसे ना देता हो पर पीके के लिए तो देता था ना, तो क्या पीके ने उसे भी सब कुछ बता दिया होगा। इसी में सुबाई और बाहर अजाने हो रही हैं और घड़ी में तो अभी 7:35 बज रहे हैं। अरे बाबू ये कौन सा टाइम है अजानों का, इस टाइम तो कोई अजाने होती नहीं। और जग्गू को रॉन्ग नंबर आता है, वो उसे कहती भी है कि ये रॉन्ग नंबर है, फिर वो इसी के नंबर पर कॉल कर देता है जबकि उसने बता भी दिया था कि ये रॉन्ग नंबर है। पर ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है ना, जब कोई लड़की की आवाज सुन ले। इस मोटी की जेब से चेक करो गिरा क्या है यार, ऐसे लोग तो नीचे देखे तो पेट के अलावा कुछ नजर नहीं आता, तो इस चीज की क्या है। इसका तो पेट इतना मोटा है कि इसकी वाइफ इसके पेट पर बैठ के सिर्फ झूले लेती होगी। और जेब में देखो क्या रखा है इसने। तपस्वी इस अंकल को कहता है कि हिमालय के पहाड़ों पर जाकर माथा टेको, शायद ये अंकल कर लेता तो डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी शक्तियां आ जाती, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज को भी तो ऐसे ही कहा था ना कि पहाड़ों पर जाओ। यहां पीछे बैठा कोई भी नहीं हंस रहा पर हंसने का साउंड इफेक्ट आ रहा है। नीचे लिखी न्यूज अब ये है, फिर ये हो जाती है, फिर ये और अब ये, जबकि कंटिन्यूस ट्रांसमिशन चल रही है। यार इस बंदे के पास कोई ना कोई शक्तियां तो है क्योंकि हमें इतने पास से इस चिटकुट अंकल की जेब में कोई सिगरेट नहीं नजर आ रही और इसे इतनी ऊपर से नजर आ रही है। तपस्वी जी को इतनी दूर से सिगरेट नजर आ गई पर यहाँ क्यों नहीं इसकी शक्तियां काम की जो सबका गलत गलत धर्म बता दिया। यार आप लोग पहले देखो कि अंदर कौन कौन आया है। देख लिया, अरे 5 लोग खड़े हुए हैं यहाँ राइट, पर ये बंदा कहाँ से आ गया। ये तो ना यहाँ पहले खड़ा था और ना ही इनके साथ अंदर आया, फिर ये आया कैसे, एक्सप्लेन अस प्लीज। पीके की बॉडी से वो निशान गायब हो जाते हैं जो इसने मजलिस में छुरियां मारी थी। कैमरा इतनी दूर है और इनके पास कोई माइक भी नहीं, फिर भी कैमरा में एकदम फिट आवाज जा रही है इनकी। पीके दूरबीन से जग्गू को देख रहा है पर दूरबीन हटाता है तो तब भी जग्गू उतना ही पास होती है जितना दूरबीन में थी, तो फायदा दूरबीन से देखने का। मेरी मानो ये दूरबीन में रॉन्ग नंबर है। इस बार पर शॉप के पोस्टर में देखो क्या लिखा है, हेयर डाई। ओ भाई टकला करना है क्या, हेयर डाई में डाई ये वाला नहीं बल्कि DYE वाला होता है। अब यहाँ आप सबको पता है कि हो क्या रहा है, पर विंडो को देखो, विंडो का शीशा ब्लर हो रहा है, इसका मतलब इन्होंने अंदर AC ऑन किया था, इसका मतलब इन्होंने कार के अंदर AC लगाया हुआ था, पर स्पेशल पीके के लिए विंडो खोल कर रख दी कि आकर कपड़वा ले जाए हमारा। पर जब कैमरा बाहर से दिखाता है तो वो विंडो का शीशा बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अब देखो सारी गाड़ियां एक ही ब्रांड की हैं, इससे क्या प्रूफ होता है। इससे प्रूफ होता है कि इसी ब्रांड की कार बेस्ट कार है क्योंकि ऐसे झटके यही कार सह सकती है, बाकी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स ही बाहर निकल जाएंगे इतने जालिमाना डांस से। ओ जालिमा, माना के पीके ने फुलझड़िया का हाथ पकड़ के और उसकी भाषा सीख ली, पर पीके को लिखना कैसे आया, लिखने के लिए तो प्रैक्टिस चाहिए। और अगर हम सपोज करें कि फुलझड़िया को लिखना आता था तो ऐसे क्या पीके किसी का भी हाथ पकड़ के उसका प्रोफेशन सीख जाएगा। मतलब कि अगर ये जॉनी सिंस का हाथ पकड़ लेता है तो ये क्या एस्ट्रोनॉट, टीचर, आर्मीमैन, डॉक्टर सब बन जाएगा का। एक्सप्लेन अस प्लीज। पीके के पास बॉम्ब फूटा है और पीके को इतू सा भी स्क्रैच नहीं आया। इस सीन में जग्गू कहती है कि कहाँ जा रहे हो पीके, जरूरी नहीं। अरे भाई होश ये है, शो इसने ऑर्गेनाइज करवाया, सब ऑडियंस इसने बुलाई, पोस्टर छुपवा दिए पूरे शहर में और कहती है जरूरत नहीं। भैया ये भी रॉन्ग नंबर लगेंगे। जग्गू ने सारे कॉन्टेक्ट नंबर ऐसी पिक्चर्स के साथ क्यों सेव किए जैसे आईडी कार्ड पे पिक्चर्स नहीं होती। अब आप खुद ही देख लो भाई, यार ऐसे आईडी कार्ड वालों को भी कैंडी कैम यूज करना चाहिए, इतनी बुरी इंसान की रियल में शक्ल नहीं होती जितनी आईडी कार्ड पर खींच कर लगा देते हैं। जग्गू बेल्जियम यूनिवर्सिटी में फोन करके पूछती है कि सरफराज से बात करनी है, तो वो उसी टाइम कहती है कि वो लास्ट ईयर पाकिस्तान
खान चला गया। आई मीन सर फराज था या शाहरुख खान, जो इसने रिकॉर्ड भी नहीं चेक किया और एकदम ही आंसर दे दिया। अभी पाकिस्तान एम्बेसी फोन करती है तो ये अकेली भी तो बता सकती थी ना सब कुछ, पर इसमें पूरे ऑफिस को बुलाने की क्या जरूरत थी। और सरफराज को फोन करती तो सरफराज ने बिल्कुल डिट्टो वही कपड़े पहने होते हैं जो मूवी के फर्स्ट सीन में पहने थे, मतलब जब ये जग्गू से फर्स्ट टाइम मिला था। आई मीन वही शर्ट, वही स्वेटर, इवन के पेन भी वही डाला हुआ जहां पहले था। इस सीन में जग्गू कैसेट्स को लगाकर रिकॉर्डिंग सुन रही होती है, तो यार इतनी क्लियर वॉइस ये क्या प्रोफेशनल माइक से रिकॉर्ड की थी? ऊपर से इधर उधर कोई नॉइज भी नहीं है। वैसे जब ये बातें हुई पीके के साथ तब उसके पास कोई रिकॉर्डर तो था नहीं, तो उसने सब बातें रिकॉर्ड कैसे कर ली? जब जग्गू कैसेट्स निकालती है तो कैसेट के ऊपर कोई कवर नहीं चढ़ा हुआ, पर जब वापस रखती है तो कवर वह ऊपर आ जाता है। अब ये पिक्चर इसने कब ली? क्योंकि पीके जब जा रहा था तब जग्गू के हाथ में तो कोई कैमरा था नहीं, तो फिर ये पिक्चर ली किसने? अरे हमरा भाई की फोटो हम ली ना। यार वैसे कितनी इंसल्ट होती है ना कि हॉल में सिर्फ आप ही तालियां बजा रहे हो और बाकी कोई बजाए ही ना। अब एक साल बाद पीके फिर आया है। यार मुझे एक बात समझ नहीं आई, जो सुपर हीरोज वाले भाई लोग होते हैं जैसे सुपरमैन, बैटमैन, आयरन मैन, ये सिर्फ अमेरिका में ही लड़के क्यों कहते हैं कि हमने पूरी दुनिया बचा ली, और सारे एलियन थानोस वगैरह अमेरिका में क्यों आते हैं यार? और पीके भी एक साल बाद आया है और वहीं आया है जहां पिछले साल आया था। इस बार ये पेरिस चला जाता या अमेरिका जाकर अवेंजर्स से ही मिल लेता। पेशी पर आते हुए कहता है कि आप लोग रिमोट वहां छुपा लेना क्योंकि नीचे चोरी भी हो सकता है, पर जब नीचे आते हैं तो रिमोट तो लगा ही होता जहां पहले लगा था। पर यार अब रिमोट अगर चोरी हो भी जाए तो क्या होता है? मतलब इतने सारे लोगों के पास तो रिमोट है और किसी भी रिमोट से स्पेशी मंगवा लो तो फिर चोरी हो भी जाए तो इनका तो कुछ नहीं जाएगा ना। आजकल बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और फिल्मी सीन्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि फिल्मी सीन्स को सब्सक्राइब कर डाला तो लाइफ जिंगो लाला।